अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो तवक्कलना में एक न्यू फीचर अपडेट कर दिया गया है। इस फीचर में आप ट्रैवल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यानी कि जिस कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहते हैं उस कंट्री में ट्रैवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और आपका जो RT-PCR जो टेस्ट होता है वो कौन कौन सा लैब अवेलेबल है जिस एरिया में आप अभी हैं, और कौन सा हॉस्पिटल में वो टेस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको तवक्कलना अप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद यहाँ देखिए नीचे में सर्विसेज का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद थोड़ा नीचे आना है। यहाँ देखिए हेल्थ सर्विसेज में ही है, हेल्थ पासपोर्ट के नीचे हेल्थ ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका नेशनलिटी होगा ये ऑटोमेटिक आपको शो करने लगेगा, और जिस कंट्री में अभी आप हैं जहाँ से डिपार्चर करेंगे वो शो करने लगेगा। यहाँ देखिए सऊदी अरबिया। उसके बाद डिस्टिनेशन कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि किस कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए मैं इंडिया पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद डिपार्चर डेट क्या है आपका, जिस डेट में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ December 1 कर लेते हैं। उसके बाद अराइवल डेट December 2 कर लेते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ देखिए सबमिट का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए शो मोर पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ जो भी आपका जो ट्रैवल रिक्वायरमेंट होगा यहाँ शो करने लगेगा। यहाँ देखिए इंडिया ट्रैवल हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, तो क्या क्या पैसेंजर मस्ट टेस्ट होना चाहिए आपको RT-PCR, और वो टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए और 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए। और इसमें क्या लिखा हुआ, दिस डज नॉट अप्लाई फॉर पैसेंजर्स यंगर देन 5 ईयर, 5 साल के नीचे के बच्चे के लिए ये टेस्ट अवेलेबल कोई ज़रूरत नहीं, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो भी यहाँ जो रिक्वायरमेंट होगा यहाँ आपको शो करने लगेगा, तो आप ट्रैवल करने से पहले एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बैक आकर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए COVID-19 पर आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से अपना हेल्थ पासपोर्ट जो कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए एक्रीडेटेड PCR सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जो भी आपका प्रोविंस जिस एरिया में आप होंगे वहाँ शो करने लगे। यहाँ देखिए रियाद, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो जितना भी लैब अवेलेबल होगा उस एरिया में जहाँ आपका RT-PCR टेस्ट होगा या हॉस्पिटल, यहाँ आपको पूरा शो करने लगेगा। यहाँ देखिए पूरा लिस्ट है जितना भी हॉस्पिटल है आपके नियर में जिस एरिया में आप, वहाँ से आप RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसी तरह से आप ट्रैवल करने से पहले जो भी रिक्वायरमेंट है जिस कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहते हैं यहाँ से चेक करें, और लैब आपके एरिया में कौन कौन सा लैब अवेलेबल है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी अपडेट था, आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।